26/11 को जो कुछ आतंकवादी हमारे देश में हमारे मुंबई में आए थे और आकर के उन्होंने करकरे साहब जैसे एक जाबाज सिपाही को यानी उनके साथ में और बहुत सारे सिपाहियों को जो आकर के उन्होंने अटैक किया था और उन्हें गोलियों से मार दिया था। सबसे पहले तो हम उस जो हुआ था हादसा वो उसको हम भुला नहीं सकते, हम उसकी निंदा करते हैं। और आज हम हमारे वो जितने जाबाज ऑफिसर्स थे करकरे साहब की याद में, उन तमाम ऑफिसरों की याद में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको और उनके परिवार के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके परिवार को खुशहाल रखे। जब ये हादसा हुआ था तो हमने देखा था, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से टीवी के माध्यम से वो आके हमने देखा था, आज भी उसको हम भुला नहीं सके हैं। लेकिन कैसा है कुछ बाहर के लोग आते हैं आकर के हमारे देश में ऐसी जो घटनाएं करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। किसी के ऐसा करने से हमारे में आपस में मतभेद नहीं हो सकते। ये आके लोग बातें करते हैं, लोग आकर के कहीं ना कहीं एक अलग दृश्य दिखाना चाहते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ना हो इसकी हम प्रार्थना भी करते हैं। और आपने जो एक बात कहा बैनर के बारे में, तो मैं एकदम साफ कह दूं आपसे, आप मीडिया हैं, आपने ज़रूर देखा, इधर आपने उधर नहीं देखा, आप दिखा सकते हैं कि 26/11 को का ये बैनर है, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि का बैनर है। ये बैनर में देखिए सब शहीदों के फोटोज है, ये सलाम लिखा है उनके ऊपर, हम इनको सलाम करते हैं। 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उस बात को आज 12 साल हो, लेकिन वो मंजर हमारी नज़रों से आज भी जाता नहीं। जख्म ऐसे ही लगते कि ताज़े, और दुनिया में कहाँ भी आतंकवाद होती है, आतंकवादी हमला होता है, और हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कहाँ भी आतंकवादी हमला होता है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते इसकी निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग आतंकवाद से धर्म का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए नहीं कहता, इसलिए। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो भी आतंकवादी हमले उसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसे आतंकवादियों के लिए अगर वो सोचेंगे कि ऐसा हमला करने से हमारा देश डर जाएगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जितने हमले करते हो हमारा मनोबल उतना बढ़ता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। सबसे बड़ी बात ये कि इस मौके पे मैं हम सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, नगर सेवक जितने भी सब पदाधिकारी लोग हैं, उन सभी लोगों ने जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जितेंद्र व्हाट्सएप की ओर से, पूरे संगठन की ओर से। बस इतनी ही दुआ करूँगा कि ऊपर वाला उनके परिवार को सब्र हमेशा दे।